सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमेशा अप टू डेट रहने के लिए। पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके तीन विशेष हैं, तो वो आपके तीन विशेष क्या होंगे? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ कल्चर ऑफ IIT और NIT के बारे में। आखिर IIT और NIT का कल्चर कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं या फिर वो कमज़ोर से कमज़ोर हो और जब यहाँ से वो पास आउट होते हैं तो एक अच्छा पैकेज लेकर जाते हैं, साथ साथ वो अपने पूरे जीवन में अच्छा एक्शन कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कल्चर आखिर होता क्या है। तो कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो जिस भी आप अगर मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी अगर आप अपने आसपास में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की जो सोच होती है उसी से आपका कल्चर का निर्माण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप साउथ कोरिया में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो सोचते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो डिफरेंट है। लेकिन भारत का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग सोचते हैं उस तरीके के थॉट प्रोसेस से इनका कल्चर अलग है। तो जो कल्चर का पूरा गेम होता है वो आपके थॉट प्रोसेस पे होता है। तो IIT NIT में जाने वाले स्टूडेंट 2 साल या फिर 1 साल की कड़ी मेहनत करके जाते हैं, और जब वो कड़ी मेहनत करके जाते हैं तो उनके पास एक सेल्फ लर्निंग एबिलिटी बिल्डअप हो जाती है। उसकी वजह से वो IIT और NIT में जाने के बाद भी ऑटोमेटिक किसी पे डिपेंड या फिर किसी टीचर पे वो डिपेंड नहीं होते हैं। खुद से ही सेल्फ स्टडी करते हुए वो लोग काफ़ी चीज़ों को लर्न करते हैं, स्किल बिल्डअप करते हैं और वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके साथ साथ जब भी आप IIT NIT में जाते हैं तो जिन लोगों को अभी आपने TV पे देखा हुआ होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ले लीजिए, या फिर APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, या फिर राष्ट्रपति को ले लीजिए, या फिर किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को ले लीजिए आप, या फिर किसी भी बड़े एक्टर को ले लीजिए, इन सारे चीज़ों को अगर आपने कभी TV पे देखा हुआ होता है तो ये सारे के सारे लोग, जितने भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जब कोई भी फंक्शन होता है तो ये लोग आपके कैंपस में आते रहते हैं फंक्शन करने के लिए। तो आपसे एक सोच बिल्डअप होती है, आपके अंदर एक सोच बिल्डअप होती है, एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप होती है कि ये भी एक इंसान है और इस इंसान ने जा कर के इतना अच्छा काम किया है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके का कल्चर आता है और इस तरीके से आपके अंदर थॉट जो आने लगते हैं वही आपके थॉट एक्शन का निर्माण कर देते हैं। उस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने लग जाते हैं और इस स्टडी से आगे चल करके आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज या फिर कहीं जगह अच्छा प्लेस हो जाते हैं। ज़रा ये सोचने वाली भी बात है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अच्छी अच्छी कंपनी होती है, वो IIT, NIT, IIIT जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करती है। क्यों? क्योंकि जब प्रिपरेशन किया जाता है, चाहे IIT JEE का ले लीजिए या फिर किसी का भी ले लीजिए, उसमें आप जो 2 साल लगाते हैं उसमें आपका सेल्फ लर्निंग एबिलिटी बिल्डअप होती है, स्किल बिल्डअप होती है, और इस सेल्फ लर्निंग के जरिए आप आगे चल करके कोई भी चीज़ को लर्न कर पाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करके आप कोई भी किसी भी मनचाहे रिजल्ट को आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का पहला प्रेफरेंस आपका IIT और NIT ही होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि IIT और NIT में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है, और प्लस में IIT और NIT में पढ़ने वाले स्टूडेंट काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो इस वजह से कोई भी जो अच्छी अच्छी कंपनी है वो सबसे पहले IIT और NIT को ही प्रेफर करती है। अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूँ तो बनी बिंसल को ले लीजिए, सचिन बंसल को ले लीजिए, मनोहर पारिकर को ले लीजिए, सुंदर पिचाई को ले लीजिए, ये ऐसे लोग हैं जो आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और इनके साथ साथ में ये लोग IIT से भी पास आउट हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि पूरा का पूरा जो गेम होता है एक स्टूडेंट के निर्माण में या फिर एक हाईएस्ट पैकेज पाने में या फिर किसी भी कंपनी का CEO बनने तक का पूरा आपके थॉट प्रोसेस का कमाल ही होता है, और उसी थॉट प्रोसेस के कारण आप लोग अपना एक्शन कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब भी आप IIT NIT में जाते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ एडवांस मिलता नहीं है, आपको एक ऐसा माहौल और एक ऐसा थॉट प्रोसेस मिलता है जिसमें आप 24 घंटे आप उसी थॉट प्रोसेस में रहते हैं, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर स्ट्राइक करता है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके बैठ जाता है थॉट प्रोसेस, और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जितने भी लोगों को
अभी तक आप लोगों ने टेलीविज़न पे देखा होता है, जैसे कि विराट कोहली को ले लीजिए, सुंदर पिचाई को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी सर को ले लीजिए या फिर राष्ट्रपति सर को ले लीजिए। तो ये लोग आपने जितने भी टेलीविज़न पे अभी तक आप लोगों ने देखे हुए होते हैं या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा एक्टर हो, वो आपके IIT या फिर NIT में ही जाना पसंद करते हैं। और जब वो जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि वो भी एक पर्सन ही है, अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस में, और जबकि प्राइवेट कॉलेज में ये पूरी की पूरी एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रहते हुए भी अगर अपना थॉट प्रोसेस एक IIT और NIT स्टूडेंट जैसा विकसित कर लेते हैं, तो फिर आपको भी एक अच्छे कंपनी में आपका जॉब लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरी अगर कल्चर की मैं बात करूँ तो IIT NIT की खासियत ये है कि इसमें आपका कल्चर एक्टिविटी होता रहता है, फेस्ट होता रहता है, NIT फेस्ट होता है, IIT फेस्ट होता है, तो इससे आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहिए, किस तरीके से आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरीके से इतने इवेंट होते हैं ताकि आप ये समझ पाते हैं कि रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप एक्शन करते हैं। अगर एक प्राइवेट और IIT स्टूडेंट को अगर आप लोग खड़े कर देंगे तो हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल या फिर कॉलेज का स्टूडेंट एक बार में ट्राई करने के बाद में हार जाए या फिर वो छोड़ दे, लेकिन एक IIT और NIT के स्टूडेंट को अगर आप खड़ा कर दें तो उसमें वो जितना उसके पास दम बचा हुआ है तब तक वो प्रयास करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको थॉट प्रोसेस ही ऐसा मिला हुआ होता है ताकि वो इतना एफर्ट अपना डाल पाता है। इसी एफर्ट के कारण वो एक्शन करता है और इसी एक्शन के बदले में उसका जॉब लगता है या फिर वो अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कल्चर का जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम भी आसपास अगर जिस माहौल में रहते हैं उसका हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें हमारे मन पे असर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप IIT NIT में जाते हैं तो अपने दम पर आप लोग कोई भी स्किल रिक्वायरमेंट कर लेते हैं और उसके बाद में आप कोई भी एक्शन कर पाते हैं और उस एक्शन से आप लोग को आगे चल करके जॉब मिलता है मनचाहा। तो इस तरीके से आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि पूरा का पूरा आपका कल्चर का खेल है IIT और NIT में, और कल्चर इसी तरीके का विकसित किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट आकर के यहाँ पे काम करे, वर्क करे, एक्शन करे, क्योंकि इस दुनिया में जो आदमी काम करता है उसी की कदर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका कितना हार्ड वर्किंग कंट्री है और इस तरीके से वो कितना ज़्यादा अच्छा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखता है। ठीक उसी तरीके से एक IIT स्टूडेंट पूरी दुनिया को हिलाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि उसके पास वो करने की क्षमता और वो थॉट प्रोसेस उसका बिल्डअप हो जाता है कि कोई भी काम उसे अछूता नहीं होता। उसके साथ साथ में स्टडी स्किल्स और सेल्फ लर्निंग एबिलिटी उसके पास इतनी एक्वायर आ जाती है कि वो कोई भी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बिना किसी की हेल्प के भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से आपका IIT और NIT का कल्चर होता है। इसके साथ साथ में जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें आप के जो स्टूडेंट होते हैं वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं और वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं, जिसके कारण वो लोग काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में कर पाते हैं। तो अभी भी अगर आप लोग 11th या 12th में हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप भी अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने का प्लान ज़रूर करिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि एक प्राइवेट कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज में प्लेसमेंट क्यों होता है, क्या फैक्टर होते हैं, ये पूरा का पूरा आपको किसी अच्छे कॉलेज में जा कर के ही पता चलेगा। तो आप भी अपने जीवन का एक गोल बनाइए कि कम से कम अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाऊँगा, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IIIT हो, IIM हो, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में हैं और अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका प्लेसमेंट एक अच्छे कॉलेज में हो जाए तो आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी। आपको अपने स्टडी में इस तरीके का अपने ग्रुप में एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा कल्चर बिल्डअप करनी होगी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम को मान करके अपने आप को स्टॉप ना करते हुए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हुए, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है उन सारे पॉसिबिलिटी को करते हुए आप लोग खुद का एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई IIT और NIT में नहीं जा सकता है। अगर आप IIT NIT में नहीं हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा खेल आपके थॉट प्रोसेस का होता है और इसी थॉट प्रोसेस के कारण आप एक्शन कर पाते हैं। और इस थॉट प्रोसेस को अगर आप लोग बिल्डअप करना है
तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कुछ बुक परचेज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तब आप लोग को ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको एक्शन करना है और कौन सा आपको एक्शन नहीं करना है। तो आप लोग भी हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं IIT NIT में नहीं हूँ। जहाँ भी है 5 लोग या 10 लोग में आप लोग ऐसा कल्चर बिल्डअप कीजिए ताकि आप एक IIT स्टूडेंट को भी आप टक्कर दे सकें। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ, और एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन का भी आप टारगेट रखिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। और उसके लिए आप लोग अगर JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हार्ड वर्क करिए और अभी से ही लग जाइए, तब जाकर के वो ऐसा आपको माहौल मिलेगा जिस माहौल से आपको थॉट प्रोसेस मिलेगी और आपकी एक अंदर की आवाज़ ऐसी बनेगी जिससे आप आगे चल करके कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि सोचने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जितना भी सोचते हैं जब तक आप उस पर एक्शन करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वो लोग ऐसे प्रेजेंट हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने के साथ साथ वो लोग सपने भी देखते हैं और एक्शन नहीं करते हैं। इसी पे मैं अभी एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को अभी देखिए, नेक्स्ट वीडियो है, और इस वीडियो को देखिए और इसके रिगार्डिंग मुझे कॉमेंट में कीजिए कि क्या सपने देखना ज़रूरी होता है या फिर एक्शन करना ज़रूरी होता है। आप लोग मुझे ये कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी सर का वीडियो है, आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, और ये स्टार्ट होता है अब। पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेज हैं, तो वो आपके 3 विशेज क्या होंगे? देखिए, अलादीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे, मुझे लगा आपको ये 3 विशेज आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेज, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है, यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग को देखने को यही मिला कि एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री भी ये बोल रहा है कि ये जो विश मांगने की चाहत है, अगर आपको विश मांगना है भगवान से या फिर किसी भी जीन से, तो आपको हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ेगा, सेल्फ हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ेगा, और उसी से आप किसी भी गोल को अचीव कर पाते हैं। विश उस नाम की अब इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती, और आपको उसके लिए एक्शन करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।